यूट्यूब फैमिली है गाइज, वेलकम टू माई बैक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं, देखिए ये फोटक्स का ब्लाउज जो कि हमारा ये अस्तर और मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने सबसे पहले अस्तर को ओपन करना है। तो हमारा जो ब्लाउज है वो है 32 साइज का। तो इस तरह से हमें कपड़े को ओपन करना है। आप भी अपने अकॉर्डिंग, चेस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से कपड़े फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम 32 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो जितना भी मेरे ब्लाउज का चेस्ट रहेगा उसका चौथा हिस्सा करेंगे, फिर उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। तो इसके लिए इतना कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो देखिए हम 10 इंच पर कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो इसमें हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए चलते हैं, यहाँ पे इस कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमारे ब्लाउज का लेंथ तैयार है 13.5 इंच। तो हम यहाँ पे 14 इंच कटिंग करेंगे, 14.5 इंच पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को देखिए 14.5 इंच पे हमने फोल्ड किया, और जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम आगे वाले पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे निशान लगा दिया हमने। अब इस निशान को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ का जो फैब्रिक है उसको कट करके हम निकाल देंगे। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है वो हमारा बैक का हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है फ्रंट का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आर्म शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है शोल्डर जो हो 5.5 इंच पे हो जाएगा, बट हम 6 इंच पे लगा रहे हैं मार्क, क्योंकि जो कपड़ा है थोड़ा खिसकने वाला है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा तो सिलाई करते समय सही रहेगा। 5.5 इंच पे हम आर्म होल लेंगे। अब इस निशान को इधर खींच लेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 8 इंच जो है, और कमर का हमारा चौथा हिस्सा 7 इंच, उसमें 1 इंच डॉट के लिए। जितना हम ऊपर मार्जिन रखेंगे उतना नीचे ही मार्जिन रखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारा निशान कंप्लीट होता है। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए 1 इंच की गुलाई देंगे। अगर इस प्रकार से आप बाजू की कटिंग करते हैं और ब्लाउज की, तो हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट होगा। अब यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने आर्म होल की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे हम गले की शेप दे देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग गला रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे रखेंगे गले की चौड़ाई, और लेंथ हमें 10 इंच रखना है। तो देखिए इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे। अब आप चाहें तो इसमें राउंड शेप दे सकते हैं या कोई डिजाइन भी कर सकते हैं, तो हम बाद में इसमें डिजाइन करेंगे। चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब 2.5 इंच पे हम गले की चौड़ाई रखेंगे, और आगे का गला हमारा 6 इंच रहेगा। अब इन दोनों निशानों को इसको बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम बॉक्स बना लिए। अब यहाँ से हम हल्के से राउंड दे देंगे।
ऊपर से हम यहाँ पे देखिए साढ़े 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा हम खींच लेंगे। ये निशान हम बेल्ट के लिए लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आगे से 2.5 इंच और आगे से 1.5 इंच ऊपर रखेंगे हम। अब यहाँ से जो हम 2.5 इंच रखे हैं वहाँ से 1.5 इंच की जो दूरी हमने की है वहाँ तक इस तरह से बेल्ट का शेप देंगे। ऊपर से हम 9 इंच पे बच का पॉइंट लगाएंगे। बच के पॉइंट से सामने वाला जो हमारा डॉट रहेगा 1.5 इंच की दूरी पे रहेगा। ये डॉट हमारा 1/2 इंच का रहेगा। आर्महोल की साइड में 1.5 इंच की दूरी पे रहेगा डॉट और इस तरह से रहेगा। अब देखिए नीचे का जो हमारा डॉट रहेगा वो भी 1.5 इंच की दूरी से रहेगा। इसको हम 2 इंच का बनाएंगे। जो हमारे चारों डॉट रहेंगे सारे बस्ट पॉइंट से इस तरह से रहेंगे दूरी पे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से राउंड शेप मिला सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से हम 20 से कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ से हमने फ्रंट की कटिंग भी कर दी। ये वाला हमारा ब्लाउज जो है फ्रंट ओपन रहेगा तो हमारा बैक और फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब चलते हैं आस्तीन की कटिंग की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको वो हमारा है तो इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको एक फोल्ड इधर से करेंगे ताकि हमारा दोनों आस्तीन एक ही साथ कट जाए। तो अब देखिए हम यहाँ पे कर लिए हैं। अब हमारे बाजू का लेंथ जो है तैयार 3.5 इंच है तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो दूसरा निशान है वो हम 2 इंच पे लगाएंगे। अब यहाँ से इस तरह से आर्म होल हमारा 15 इंच है तो उसका 7.5 इंच होगा तो हम 1/2 इंच कम करके इस तरह से लगाएंगे। 2 इंच ऊपर से यहाँ से देखिए इस तरह से राउंड शेप देते हुए चलेंगे तो 5 इंच यहाँ पे हमारी मोड़ी है। जितना मैं नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उतना ऊपर भी रखेंगे और इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग। देखिए बाजू का शेप हमारा कंप्लीट हो गया तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था यहाँ से आगे से उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे तो हमारा दोनों आस्तीन देखिए एक साथ कटिंग हो गया है। अब इसमें हम फ्रंट पार्ट को छटाई कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट को छटाई करने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला देखिए ये है कि यहाँ से आप समझिएगा कि यहाँ से जो हमारा मार्जिन जितना था वहाँ से इस तरह से रख के हटा देंगे हम। तो यहाँ तक हमारा मार्जिन आ रहा है तो यहीं से हम देखिए राउंड से पत्ती का दे देंगे।
हमारी बाजू भी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब यहाँ पे एक क्रॉस का निशान लगा देंगे ताकि ये हमारा फ्रंट पार्ट का बाजू है, तो ताकि पता चले। तो इस प्रकार से हमारा बैक और फ्रंट और आस्तीन तीनों की कटिंग हो चुकी है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इसकी हम अस्तर पर देखिए कपड़े पर कटिंग बाद में कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से पूरा फुल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में अवश्य कर सकते हैं, और इसकी हम जो कटिंग करेंगे बस कपड़े पे तो वो हम अलग से वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो या कि हाँ कैसे करते हैं कपड़े पे रख के कटिंग अस्तर की, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।